और धमतरी के सहरा डबरी के खेत में जमीन धंसने की घटना की अब वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच के लिए भारत सरकार की भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की 3 सदस्यीय टीम सहरा डबरी गांव पहुंची, जहां पर विशेषज्ञों ने घटना स्थल की मिट्टी का सैंपल लेने की कोशिश की, लेकिन पानी होने के कारण वो सैंपल नहीं ले सके। अब बारिश के बाद ही यह टीम फिर से आएगी और जमीन के नीचे की मिट्टी का सैंपल लेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जमीन का इतना बड़ा हिस्सा कैसे धस गया। फिलहाल विशेषज्ञों का अनुमान है कि जमीन के नीचे चूना पत्थर हो सकता है, जिसके कारण जमीन धस रही है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। असली कारण व्यापक जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो जब हमने अभी जाके देखा एक्चुअली वो पानी का लेवल सब कुछ बराबर है, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय सॉइल। सो अभी एट प्रेजेंट वी आर केम फॉर अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो इसी के हिसाब से हमें जैसे जैसे लग रहा है, जो सराउंडिंग लिथोलॉजी जियोलॉजी के हिसाब से हमें लग रहा है, ये लाइमस्टोन एरिया है, दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन टेरेन। सो बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट, वी विल बी सीइंग एडजेसेंट एरिया जियोलॉजी, अकॉर्डिंगली विल कन्फर्म। दिस इज अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हिसाब से हमें थोड़ा पूरा सॉइल कवर्ड एरिया है, हमें कुछ बता नहीं पा रहे। हाउएवर जो हमारे जियोलॉजी मैप के हिसाब से हमें लग रहा है दिस इज अ लाइमस्टोन टेरेन, सो दिस काइंड ऑफ लाइमस्टोन इज कॉमन, नथिंग टू वरी अबाउट।